Kinds of जो आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं जी तो काफ सेंटेंसिस फंक्शन या मीनिंग बेस्ट कह लें या स्ट्रक्चर बेस्ड तो ये दो कैटेगरी है, है जिनको हम अब पढ़ रहे होंगे और सेंटेंसिस को बेसिकली किया भी इन्हीं दो कैटेगरी के थ्रू ही डिवाइड जाता है ले जी क्वेश्चन आ गया टू विच न्यूज सर विच न्यूज इज बेस्ट मैं वैसे डॉन uh, का न्यूज भेजना शुरू किया है जो ऑन न्यूज पेपर आप पढ़ लें अपने रीजन का कराची का लाहौर का किसी का भी जो ऑन न्यूज पेपर अच्छा है द uh, न्यूज भी अच्छा है uh, तो जो भी आपको अवेलेबल है देखिए हमें इनकलकेशन चाहिए हमें इन्फ्यूजन चाहिए बकेबरी का और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का और दूसरा एक चीज है कि आपके करंट अफेयर भी स्ट्रॉग होंगे uh, आपका जनरल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग होगा वेन यू वुड बी डेली रीडिंग दैट तो आई वुड प्रेफर जो भी आप यूज कर सके जॉन स्टोन कह रहे हैं डिफिकल्ट है, है. यहाँ एक मजे की चीज बनती है uh, मेरे पास uh, जो के फिजिकली uh, भी स्टूडेंट्स आते हैं तो आई वंस सजेस्टेड देम कि आप बेशक द न्यूज यूज कर लो अगर आपको डॉन मुश्किल लगता है तो उस बच्चे के वर्ड्स की जो टोन थी uh, जो नेक्स्ट मेरे सामने जिससे मैंने बात की तो देट वॉज एस्टोनिशिंग देट वॉज रियली इनकरेजिंग एंड स्टिमुलेटिंग तो वो बड़े मजे की थी सर मुश्किल से जो तो पकड़ेंगे तो चीजें निकलने आएंगी कि अगर हम मुश्किलों से घबरा गए तो कहाँ से CSS होना है कहां से लाइफ के चीजों को डील करना है 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 तो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं वर्ड्स ही ना Vocabulary मुश्किल है तो आप ऑनलाइन वैकेबरी पढ़ें आपके मोबाइल के ऊपर डिक्शनरी इंस्टॉल करें वर्ड वेब है मेरी वेबस्टर है ऑक्सफर्ड वगैरह तो बाय करनी पड़ती है और ये कैम्ब्रिज तो आप वर्ड वेब या वेबरियमस्टर बहुत सारी फ्री वर्जन भी अवेलेबल है अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं तो मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में जब एक न्यूज पढ़ रहे होते हैं जब एक पीडीएफ फाइल क्योंकि देखो आपकी स्क्रीन पर आपको वर्ड वेब नजर आ रही है तो आपको कोई स्क्रीन चेंज नहीं करनी आपकी स्क्रीन पेप, न्यूज पेपर की खुली हुई है आपको एक वर्ड है वो समझ नहीं आ रहा था कि उसका मीनिंग क्या था तो आपने सिंपल उस वर्ड का जो इधर जो है वो वर्ड लिख देना है मतलब आपको सामने आ गए वो है, तो आपका वो हो पा रहा है तो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है उस वर्ड को और हॉट की दबा देनी हॉट की जाके सेट कर सकते हैं मैंने अपने लैपटॉप पर कंट्रोल एम सेलेक्ट की हुई है कंट्रोल एम कंट्रोल प्लस एम डिक्शन मेरे सामने आ जाती है

Which book is best for बच्चे मैंने आपको ग्रामर के लिए ना दो बुक सेंड की है, है, है दोबारा कर दूंगा गूगल क्लासरूम भूल गया कि वहां मैंने ये क्लास, दोनों बुक्स नहीं की, तो आप लोग इन दोनों बुक्स को माइक स्वैन की बुक है प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर और जो है महफी की है दोनों बहुत अच्छी बुक्स है बहुत ही अच्छी बुक्स है इवन स्वैन की बुक का मैं खुद बड़ा जो है वो

WhatsApp में मैं मैं ये दोनों बुक्स की थी कुछ पहले साथ uh, okay. साथ आपको आपको जो जो करवाई जा रहा, उनके notes भी जा रहा 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 उनके भी दिए और साथ आपके हर जो notes में आपको दे रहा हूं, पर आप देख रहे हैं कि आपके एक activity भी मिल रही है ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी उसकी बन सके लेकिन बुक एक रेफरेंस के तौर पर एक हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर आप यूज कर सकते हैं और हम इन जब प्रैक्टिस वर्क पर लैंड uh, करेंगे डायरेक्टली तो हम उस बुक को बहुत ज्यादा इन बुक्स को को बहुत ज्यादा यूटिलाइज यूटिलाइज भी करेंगे स्पेशली की बुक हम काफी कर रहे होंगे नेक्स्ट आते हैं जी uh, और असर्टिव सेंटेंसेस हमारे सामने जो पहली काइंड है होते क्या है आपको डेफिनेशन लिखी नजर आ रही है या स्टेटमेंट डेक्लेन मतलब कुछ ना कुछ डिक्लेयर करता है स्टेट करता है उसको हम डेक्लेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं जी, और इट टेक्स फुल स्टॉप मतलब हम डेक्लेटिव सेंटेंसेस के एंड पर फुल स्टॉप्स लगाते हैं जी हम टी सेट ऑन अ वॉल एक सिंपल स्टेटमेंट है ही डज नॉट वर्क हार्ड इज अ सिंपल स्टेटमेंट फुल स्टॉप्स आ रहे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट यू वुड मार्क फुल स्टॉप आफ्टर

तो इफ यू गो टू ऑक्सफर्ड डिक्शनरी और कैमरे डिक्शनरी तो आप ऑक्सफर्ड या कैमरे डिक्शनरी ऑनलाइन खोल सकते हैं ओ ए एल डी मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी तो आपने डाइजेशन uh, को टाइप करना है या सजेशन को वहां टाइप करना है तो यू वेन यू वुड लिसन टू दिस साउंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन द स्पीकर इट वुड प्रनाउंस सजेशन that have ending as s t i u to shaa sun leta hai nation creation

हैव डन दैट, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर थ्री इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं जी अ सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस अ कमांड रिक्वेस्ट सजेशन प्रपोजल एंड एंट्रीटी एंट्रीटी भी एक अर्नेस्ट एक सीरियस रिक्वेस्ट ही होती है जी तो वो सेंटेंस जो एक कमांड देता है हुकम दे रिक्वेस्� और इट मेट एक एक्सक्लेमेटरी मार्क इफ कमांड इज स्ट्रॉन्ग अगर कमांड काफी स्ट्रॉन्ग लहजे में दी गई है तो हम उसके अंड मार्क भी दे सकते है। हैं mercy upon us, की जा रही है ओपन द डोर एक ऑर्डर हो सकता है फुल स्टॉप अप एक ऑर्डर हो सकता है फुल स्टॉप फायर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो मैंने बोला भी आ सकता है

इसकी फिर रेंडरिंग होती है फिर इसको मैं वीडियो एडिटर में डालकर एक बार थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी वगैरह और एनहांस कर देता हूं ताकि लिस्ट सुनने वालों को और आसानी हो जाए तो वो भी आ जाती हैं जी सजाद साजिद अली दे दे, दे वुड बी पुट टुनाइट तो इंशाल्लाह जस्ट आफ्टर दैट लेक्चर देयर इज अनदर क्वेश्चन सर इंपरेटिव मोस्टली स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द राइट यस इंपरेटिव सेंटेंसेस मोस्टली नहीं

अच्छा अब स्टूडेंट्स एक बात आप कर सकते हैं

देखो हमने इमोशन दिया है वो इमोशन वॉन्डर uh, का हो सकता है अमेजमेंट का वो एंगर का हो सकता है दैट कुड बी अ फीलिंग ऑफ रिमोर्स और सारो पछतावा या uh, जो है सारो हो सकता है दैट कैन बी अ फीलिंग ऑफ जॉय हुर्रा आई वॉन द मैच तो इस तरह के जो सारे इमोशंस हैं uh, जिन जुबलों में ये एक्सप्लेन हो रहे होते हैं वाजे हो रहे होते हैं दोज आर कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस आई डू होप कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी जो है वो प्रॉपरली uh, समझ आ गया होगा नेक्स्ट मूव करते हैं जी हमारे पास आ चुका है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस सेंटेंसेस ऑप्टेटिव असल में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ही हैं क्योंकि इनके एंड पर भी ही आ रहा होता है क्वेश्चन है जी ओ डोंट डू दिस डू दिस इज करेक्ट इट इज बेसिकली इंपेरेटिव देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है और इसमें एक कमांड है या रिक्वेस्ट भी हो सकती है डोंट डू दिस तो दैट इज आवर इंपेटिव सेंटेंस कैन वी इंक्लूड इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ओके इंटरजेक्शन इज बेसिकली याहू अलास आर दी वर्ड्स हमने इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर में पढ़ लिया अगर आपने मिस किया है तो आप उसकी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं कि इंटरजेक्शन आर बेसिकली वर्ड्स हैं

अगर नहीं आ रहा मैच तो वी वॉन द मैच को उसने स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ नहीं बोला फुल स्टॉप दे दिया इफ यू आर प्रोनाउंसिंग इमोशन मैच्लेमेशन ठीक तब आप उसको एक्सप्लेमेटरी की कैटेगरी में एड कर देंगे और अगर आप नहीं दे रहे तो आप उसको एक्सप्लेमेटरी की कैटेगरी में एड नहीं कर सकते आपका वो एंगर हो सकता है आपकी मैंने बोला वो सारो हो सकता है वो आपकी अमेजमेंट हो सकती है जैसे ये ये एक एक अमेजमेंट अमेजमेंट है, What a shame, है, remorse है, What a beautiful scene, it is है, है सारो आ आ रहे जी हमारी last kind पे, ले जी आ गया, I think फिर एक, हमारी जी हमारी हमारी पे क्वेश्चन गया फिर क्लासरूम में क्वेश्चंस तो ओके okay, जी रुस्तम थैंक यू वेलकम जी वेलकम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका थैंक यू बोलने का तलाल ने भेजा है जी हुर्रा, में अगर साइन लगा लगा है है दें तो इसके आगे जो सेंटेंस उसमें सेंटेंस लगाए लगेगा मैंने बोला आपको अभी तलाल ये चीज मैं दोबारा एक्सप्लेमेटरी पर ही जैन करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन क्यों आपका उस बारे में है कि हु आप कभी आराम से नहीं बोलेंगे हु

और अगर वही वॉन द मैच आप फुल स्टॉप दे रहे होते आपने बुक्स में देखा है क्योंकि कह रहे हैं जी हुर्रा जरा जोर से बोल दिया वॉन द मैच आराम से बोल दिया तो वो द मैच आपका जो था वो डेक्लेरेटिव बन गया हमने मैच जीत लिया लेकिन अगर आप वही वॉन द मैच इमोशंस के साथ बोल देंगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग देखिए आपको यही तो कहा है कि वो सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करेगा वो साइन एक्सक्लेमेटरी और साइन एक्सक्लेमेशन देगा तो एक डेक्लेटिव सेंटेंस अगर आपने इमोशंस के साथ बोल दिया

तो ऑप्टेटिव में हमारे पास मौजूद है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसिस अ विश प्रेयर और कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें एक इमोशन है अ uh, मतलब एक विश है प्रेयर और कर्स है दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके एंड पर भी आता है विश होगी प्रेयर होगी या कर्स होगी ओके मे यू लिव लॉन्ग ओ में का ए जो है वो मिसिंग uh, है लेट मी पुट दैट ए

सिर्फ uh, एक दो डिस्कस करेंगे uh, जहांगीर काकड़ का माइक पहले से ऑन है uh, और रिजवान साहब भी मौजूद हैं जी मीटिंग में थैंक यू रिजवान साहब आपका साथ uh, देने का रुस्तम का भी माइक ऑन है तो मैं आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ आप लोग अगर कोई क्वेश्चन uh, मेरे साथ साथ देना चाहते हैं बोल के बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं जी एक दो प्रैक्टिस करते हैं फिर जल्दी से, से सेंटेंस की काइंड स्ट्रक्चर बेस पर भी जाते हैं क्वेश्चन आ गया जी

आंसर आ रहे हैं जी असर्टिव यस इट इज असर्टिव या डेक्लेटिव आप कह सकते हैं वेरी गुड रिबाब बच्चे दैट्स रियली गुड आंसर चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं अपना सेंटेंस नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट ले, ले लेते हैं फोर्थ uh, का बता दें दे, बाकी आप खुद करेंगे देन उसको मैं वीडियो आपको भी सेंड कर देता हूं फोर्थ का बताएं जी

तो आपने वहां से uh, इसकी एक्सरसाइज खुद बैठ के करनी है और देन इसका सलूशन देख लेना नेक्स्ट आते हैं जी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर रुस्तम कह रहा है सर आपका एक्सप्लेनेशन मेथड एक्सीलेंट है थैंक यू रुस्तम अली थैंक यू वेरी मच आई एम ऑल बिकॉज़ ऑफ अल्लाल माईटी एंड यू पीपल्स यू स्टूडेंट्स इनकरेजमेंट ओके

तो अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट अच्छा अब जिन स्टूडेंट्स ने तो आ, पिछला लेक्चर लिए हैं उनको थोड़ा सा आइडिया है क्लॉज वगैरह वाले का के असल में वन प्रेडिकेट का मतलब है कि एटलीस्ट वन वर्ब जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए वन क्लॉज देखो मैंने क्लिख दिया वन क्लॉज जिस सेंटेंस में एक क्लॉज है ना

इट्स अ क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस की पहली कारण हमारी स्ट्रक्चर बेस पे है कि अ सेंटेंस सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वन सब्जेक्ट प्रेडिकेट मींस वन क्लॉज प्रेडिकेट याद रखिएगा जुमले के वर्ब से लेकर एंड तक का बाकी सा प्रेडिकेट है सब्जेक्ट हमने पढ़ा था कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन Uh, क्या नाम लेते हैं दी जाती है और प्रेडिकेट जो इन्फॉर्मेशन देता है जैसे आई एम अ टीचर तो आई सब्जेक्ट एम अ टीचर इज प्रेडिकेट एम वर्ब था और उससे लेकर फुल स्टॉप तक हमारा प्रेडिकेट रहा आई सब्जेक्ट मेरे बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है एम अ टीचर तो किसके बारे में आई के बारे में आई सब्जेक्ट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी तो सिंपल सेंटेंस दैट हैज वन सब्जेक्ट प्रेडिकेट वन प्रेडिकेट

एक या ज्यादा दो या ज्यादा मेन मिलकर कंपाउंड बना है। दो इंडिपेंडेंट कम तो कम या मेन क्लॉज होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज कल हमने पढ़ लिया था क्लॉजेज की काइंट में देखो लेक्चर के साथ लेक्चर मैंने जोड़ा है आपको प्योर बेस ग्रामर करवानी और कंप्लीट ग्रामर करवानी है, है इंशाल्लाह ताकि आप लोग तो जिंदगी में किसी भी एग्जाम में जो है लड़खड़ाए ना आपको एक एक बात का पता हो तो इसलिए एक स्टेप बाइज चीजें देखे बिल्ड होती जा रही है सेंटेंस के बाद हम उसकी पर आ गए द मून ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे द मून वॉज ब्राइट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एक आ गया द मून वॉज ब्राइट है जल्दी से वो ले लेता हूं, एक लेजर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को जो हाईलाइट करना मेरे लिए आसान हो जाए द मून वॉज ब्राइट मून सब्जेक्ट वॉज वर्ब

ए एंड एन नॉर बी बट ओ और वाई एट एस सो तो ये फैन बॉयज है रिकॉर्डिंग में आपने दोबारा सुन लेना लिख लेना या अपने पास लिख रहे हैं और हमेशा अच्छा सुन लिखता होता है जब बोल रहा हो टीचर बोल रहा हो एफ फॉर ए एंड एन नॉर बी बट ओ और वाई एट एस सो इसको हम कहते हैं फैन बॉयज ये जो फैन बॉयज होते हैं Uh, मुझे कह रहा है एसन के सर कंपाउंड सेंटेंसेस में डिपेंडेंट क्लॉजेस भी होती हैं uh, नहीं uh, ऐसा नहीं है अभी uh, आपको समझा देता हूं एक कंपाउंड सेंटेंस हैज ओनली एंड ओनली इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टू और मोर अभी uh, एसन आपको चीज समझ आ जाएगी एट द मुझे अच्छा लगता है जब आप कोई ना कोई अपना नॉलेज जो कि पहले से आपके ब्रेन में शेयर करते हैं एंड इट इज रियली प्लेजेंट टू वॉ टू पॉलिश दैट टू एड इन दैट नॉलेज मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे दो क्लॉज थी आवर वेक्ट कुछ दो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दो क्लॉजिस दो क्लॉजेज अगर इंडिपेंडेंट फैन बॉयज से जुड़ी हुई हो मैंने अभी फैन बॉयज बोल दिए फॉर एंड नॉर बट और येट सो ये ज्यादा यूज होने वाले तो समझ लें के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ही हैं जैसे एंड से ये दोनों क्लॉजे जुड़ी हुई हैं एंड फैन बॉयज का ए है ठीक है जी द नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैवीली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट तीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं नाइट केम नाइट सब्जेक्ट केम वर्ब रेन फेल रेन सब्जेक्ट फेल वर्ब वी सब्जेक्ट गॉट वर्ब तीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं

री गुड इस्लाम खान दीचर वॉज गुड एंड वी पास द सब्जेक्ट यस इट्स ऑल्सो कंपाउंड सेंटेंस एंड से क्लास स्टार्ट हो रही हो वो सिर्फ कंजंक्शन है नहीं अगर क्लॉज एंड से स्टार्ट हो रही हो और वो खत्म भी हो जाए एंड आई वॉन इन द एंड फुल स्टॉप लगा सकते जुमला स्टार्ट करके फुल स्टॉप किया जा सकता है कोई दूसरी क्लॉज एड किए बगैर

नाउन एंड क्वालिफाइड बाई एजिक बाकी जो बचा वो वर्ब बचाटिव एडवर्ब क्लॉज जो उनको क्वालिफाई करेंगे वो सारे एडवर्ब दो एवरी थिंग एक्सेप्टर एंड तब एडवर्ट क्योंकि वो ज्वाइन तो कर ही नहीं रहे होंगे कंजक्शन ज्वाइन करती है ना कंजेंशन ज्वाइन करती है जब मैं कहता हूं एंड ही वॉन इन द एंड फुल स्टॉप तो एंड ने किसी को जोड़ा तो है नहीं दो क्लास जुड़ी तो है नहीं, नहीं तो no तो अब ने ने किया, किया। चीजें जी, मैंने आपको बताया था ना कि करते हैं। क्या कहा था मजाक में कि शक्लों पे नहीं जाना हरकतों पे जाना है सूरत नहीं देखनी ये लाइफ के लिए भी लेसन है, कभी भी आगे के चल के, के सूरत नहीं देखनी सीरत देखनी है आ, तीन चार जितनी मर्जी, का बनाओ चले इस्लाम खान की तरफ अजान हो रही है जी आ, हम लेकिन आगे बढ़ते हैं वरना तो मेरे पास कराची कोयटा डिफरेंट टाइमिंग्स रहेंगीट वुडली डिफिकल्टीट टाइमिंग नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस के बाद आ चुका है जी अः

जैसे नीचे जुमले में देखे दे रेस्टेड दे रेस्टेड वर्ब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आ गया क्लॉज को उठाकर अलहदा लिखू तो इंडिपेंडेंट है दे फुल लगा जुमला तो वो जो कदमों पर खड़ी हो सके वो मेन है इंडिपेंडेंट है तो एक मेन क्लॉज और वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉजेट क्लॉज जो अपने कदमों पर अकेली खड़ी ना हो सके कभी भी ना हो सके उसको लाजमी तौर पर किसी और क्लॉज की जरूरत हो तब वो हमारी सबॉर्डिनेट होती है जी. है जी इवनिंग केम हमारी सब्जेक्ट वर्ब तो हैगाकर है, इसको एक सेंटेंस बना सकता came, stop, जब शाम हुई? नहीं बन रहा बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीट आइडिया इट रिक्वायर्स सम अदर क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द मीनिंग

तो एक क्लॉज है सिंपल दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है कंपाउंड और एक इंडिपेंडेंट और एक या ज्यादा सबॉर्डिनेट हैं तो ये वाला आ गया जी कंप्लेक्स जी क्वेश्चंस पर आता हूं राइट लेटर एंड एप्लीकेशन बच्चे रुस्तम ये एक सिंपल सेंटेंस है ही राइट्स एंड अ लेटर एंड एप्लीकेशन यहां दो नाउन कंपाउंड हुए सेंटेंस कंपाउंड नहीं हुआ

एंड देट इज बेसिकली आवर कंपाउंड कंप्लेक्स ले जी में एसन भाई आ गए आपके उस क्वेश्चन की तरफ उस इशू की तरफ जो आपने रेज किया uh, हो सकती है कि नहीं सबोर्डिनेट क्लॉज इसके जरा डेफिनेशन पढ़ती है ये कंपाउंड कंप्लेक्स है अगर ये कंपाउंड कंप्लेक्स है ना तो इसके अंदर इसका मतलब दो की खूबी है कंपाउंड भी है और कंप्लेक्स भी है और दोनों डेफिनेशन याद कर लें कंपाउंड की डेफिनेशन थी कि एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और कंप्लेक्स की डेफिनेशन थी कि वन इंडिपेंडेंट एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज वन सबोर्डिनेट क्लॉज तो दोनों डेफिनेशन को इकट्ठा करें कंपाउंड कंप्लेक्स हो गया हैज एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेस

कंप्लेक्स सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं नीचे द कारवान ट्रेवल्ड द होल डे एक क्लॉज है इंडिपेंडेंट है द कारवान ट्रेवल्ड द होल डे मैं चाहूं तो लैदा करके फुल स्टॉप कर दू एंड फैन बॉयज आ गया फैन बॉयज किसको जोड़ते हैं एंड फैन बॉयज का ये है ना किसको ज्वाइन करते हैं फैन बॉयज ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बताया था तो दे रेस्टेड दे रेस्टेड भी इंडिपेंडेंट हो गया

और अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ जोड़ते हैं, तो वो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो वो बनता है लेकिन कंपाउंड कहा सर आज तक हमें वेरी गुड एसन थैंक यू ये बहुत मेरे लिए कंप्लीमेंट है स्टूडेंट्स के आप आज तक हमें compound, और कम, की समझ नहीं आई थी अच्छा बहुत सारे बुक्स में कंपाउंड कम्पलेक्स जुमला नहीं लिखा होता बहुत सारे बुक्स में नहीं लिखा होता वो सिर्फ तीन टाइप देते हैं सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स कंपाउंड कम्प्लेक्स भी एग्जिस्ट करते हैं अच्छा मैं ये क्यों करवा रहा हूँ आपको टाइप जरा सोचिए जवाब दीजिए मुझे मैं ये टाइप्स क्यों करवाना एक तो आपको सी के पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में जरूरत पड़ सकती है आपको जुमला देख उसकी टाइप पूछ सकती है आपको बहुत सारे कम्पटेटिव एग्जाम्स में टाइप्स पूछ सकते हैं जुमला देखे कि टू विच टाइप इट बिलोंग और नीचे टाइप्स लिखी है मुझे ये बताइए मैं एक और मकसद के लिए भी करवा रहा हूँ सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव नहीं सेट कर रहा सिर्फ आपका कंपोजिशन और ग्रामर का पेपर नहीं ठीक कर रहा सारी ग्रामर करेंगे और बाकी सारा कुछ नहीं करवाती बहुत सारा कुछ आई वुड गो कम्प्लीट में शुरू किया आप गौर करें एल्फ एंड ओमेगा करेंगे हम मैं ए टू जी जाऊंगा आपके लिए इनशाला और हम रोज का लेक्चर देखो बहुत सारी अकेडमी तो है वो रोज लेक्चर भी नहीं देती हफ्ते में एक दो दिन लेक्चर होता है और इस तरह जिस तरह आप लोग मेरे से बात कर रहे हैं इतना तो आप कभी बात अपने एक्चुअल लेक्चर में भी नहीं कर रहे होते जितना यहाँ कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ मुझे मैसेज करके फ्रीली ली है तो ऐसा वे थैंक यू जी आपके कॉम्प्लीमेंट्स का कि आपको चीजें समझ आ रही हैं और आप शुक्रिया बोल रहे हैं तो नाइस सर थैंक यू

उंड कंप्लेक्स की एक एग्जाम्पल और लें बना लेते हैं इसमें कोई काम ही नहीं है आ, और मैं उसके लिए भी कह रहा था ये मैं जो बात बताने जा रहा था मैं आपको ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंसेस या बेसिक ग्रामर हमने अप्लाई भी करनी है भाई आप है आपसे मैंने की स्ट्रक्चर्स बनवानी जब आप लोगों से मैंने ऐसे राइटिंग करवानी है ना प्रेसिंग करवानी है ऐसे राइटिंग करवानी है तो याद रखिएगा मैंने आपसे कहना है कि भाई इन तीन सेंटेंसिस को मिलाकर एक जुमला बनाओ ये सिंपल थे तीनों इनको बना कर छोटा हो जाएगा प्रेसिंग कर रहे होते ना

Variety. आप एक ही तरह के जुमले लिखेंगे तो एग्जामिनर कभी लाइक नहीं करेगा That, हमने की, पढ़ी, पढ़ी. हमें हर तरह का सेंटेंस अपने ऐसे में डालना होगा टू गिव अवर एसेनामिक होल स्ट्रक्चर और ताकि एग्जामिनर को नजर आए के इस बच्चे को आता है अक्सर एग्जामिनर यह

हम अपनी ऐसे राइट ये ग्रामर सिर्फ कंपोजिशन के पेपर के लिए नहीं मैं करवा रहा आपको और जो लैंग्वेज लर्निंग के स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं आप लोगों की भी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं दैट नॉलेज ले जी अपनी आखिरी स्लाइड पे आज के आते हैं जी ये आपने करना खुद है एक दो काइंड्स में आप लोगों को कर, आ, करवा दूंगा आ, थोड़ा सा आप लोगों को एक बूस्ट देने को ताकि आप लोग खुद से करने के काबिल हो सके लें जी मैं जल्दी से इसको आपके सारों के जो माइक है वो ऑन करने की तरफ जा रहा हूँ अगर आप ऑन करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो आ, हैंड रेज कर दे मैं फॉरन आप लोगों के माइक ऑन कर दूंगा जी वैसे आप लिख कर भी आंसर कर सकते हैं कोई इशू नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फराज ने हैंड रेज किया है आ, चले मैं एक बार सबको क्लिक कर देता हूँ बल्कि क्यों ना मैं पार्टिसिपेंट से जाके आपको अलाउ ही कर दू लें जी मैं आपको अलाउ कर जी स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आ, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे जल्दी से मैं आप सबको अनम्यूट uh, कर कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चे अनम्यूट हो गए चुके मैं आपको अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो यू वुड बी देयर टू पार्टिसिपेट इट क्योंकि हमारी तो क्लास रूम है जी हमने मैं सिर्फ वीडियो वीडियो लेक्चर लेक्चर नहीं दे रहा भी आपको मिलता रहता है अगर आप मिस करते हैं लेकिन बेसिकली का मुझे बताए लिया था फंक्शन बेस्ड काइंड कौन सी फंक्शन तो बेस्ड थी डेक्लेटिव अब मुझे स्ट्रक्चर बेस्ड बताए कौन सी काइंड है इट इज सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स कंपाउंड कम्प्लेक्स लो जी, जी

कोई एक पेज पढ़ा उस पेज के ऊपर अपना व्यूज लिखे अपने वो न्यूज अपने अल्फाज में बना दें डॉक्टर विनोद कुमार साहब अपने अल्फाज में बना दें वो न्यूज अपने अल्फाज में उस न्यूज को कन्वर्ट कर दें कि लो जी अगर मैं न्यूज राइटर होता तो मैं इस तरह से ही न्यूज लिखता एक तरह से उससे आप अपने जुमलों को अपने वर्ड दें वो न्यूज पेपर पड़े पड़ा हो आपका साइड पे पड़ा हो अब आप उन आइडियाज को कन्वर्ट कर रहे हो वो जो वैकेबली थी दरमियान में थोड़ा बहुत देखना देख लें बट कॉपी पेस्ट नहीं करना

जी बाकी लोग कंपाउंड पर राजी हैं। कंपाउंड, कंपाउंड कंप्लेक्स होगा क्योंकि इसमें नो आंसर आ रहा है और ये हमारी डिपेंडेंट है सॉरी। अच्छा आपका नाम क्या है बच्चे आयशा आयशा बच्चे थोड़ा सा आप रॉन्ग कर गए हो इट्स सेंटेंस देखिए मैंने ना आपको एक हिंट दे दिया था फैन बॉयज का कि जब फैन बॉयज दो क्लॉजेस जोड़ेंगे ना तो समझ लो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही जोड़ेंगे फैन बॉयज जोड़ते इंडिपेंडेंट है, है मैं आपको कंपाउंड बट देखो फैन बॉयज का बी है फैन बॉयज दोबारा एक्सप्लेन करता हूं फॉर एंड नॉर बट और येट सो तो देखो बट ने ज्वाइन किया आई कॉल्ड हिम इंडिपेंडेंट है आई कॉल्ड हिम फुल स्टॉप बट ही गेव मी नो आंसर बट ही गेव मी नो आंसर जो फैन बॉयज से क्लॉज शुरू होती है ना वो लहदा लिखी जा सकती है ग्रामर अलाव करती है कि आप कह दे no तो 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 बट निशानी बताई थी कि अगर ये दो के आता है, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट ही होंगे ये एक निशानी के तौर पर मैंने आपको दिया था ताकि आप लोगों को हमेशा याद रह जाए और आपको कभी भूले ना चले नो इशू आप इस लेक्चर को दोबारा अगर देखना चाहें देखा ये सबसे बड़ा अच्छा है हमारे इस सिस्टम में कि आप लेक्चर को दोबारा इवन थ्राइस देखना चाहे देख सकते हैं और आप लोग इसके साथ हो जाएंगे एक दो दिनों में जस्ट वन और टू डेज रिमेनिंग है जी हमारी रजिस्ट्रेशन माशाला बहुत अच्छी हो चुकी है और मैं जैसे ही फील करूंगा कि मेरे पास मैं इससे ऊपर नहीं जाना क्योंकि मैंने देखो रोज के आपके असाइनमेंट्स भी तो चेक करनी है जितनी मैं कर सकूंगा उतनी तो एक दो दिनों में क्लोज होने जा रही है तो देन आपकी ये असाइनमेंट वगैरह जो है वो सिर्फ ये सोलूशन वगैरह गूगल क्लासरूम के अंदर ही सिर्फ जा रहे होंगे fourth वाला वाला होगा ना सर yes, fourth वाला complex है बच्चे वेरी गुड आई वेंट बिकॉज आई वॉज इनवाइटेड आई वेंट इंडिपेंडेंट है को लेदा करके क्या क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया था